व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिलियन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिलियन को सब्सक्राइब कर और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो जैसा कि आपको पता है कि शाओमी अपना एक टैब लेकर पैड लेकर आ रहा है, तो वो टक्कर दे रहा है सैमसंग को। तो वो फर्स्ट उसका जो पैड लॉन्च होगा वो शायद अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है। तो मैंने सोचा आपको जो शाओमी का जो लैपटॉप प्रो है उसके बारे में बता रही हूँ स्पेसिफिकेशन। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर आप जो शाओमी का टैबलेट है पैड है उसके में उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से साथ बेल आइकन वो भी प्रेस कर दो। तो करता हूँ वीडियो को स्टार्ट और बताता हूँ कौन कौन से फीचर है, कितनी बैटरी है, कितना प्रोसेसर है, ये टक्कर देगा कि नहीं देगा। तो मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, वो कहूँगा कंपेयर जो शाओमी का सैमसंग के साथ टैबलेट के साथ कि ये कितना दमदार टैबलेट है कि नहीं। तो वीडियो करता हूँ स्टार्ट और आपको बताता हूँ कि शाओमी का मी पैड 5 प्रो गाइस ये लॉन्च होगा अक्टूबर की, और ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, मैं बता दूंगा कि उन्होंने डेट कितनी लिखी हुई है इसमें। तो शाओमी का जो मी पैड 5 प्रो है तो इसमें मैं बताऊंगा थोड़े से इसमें स्पेसिफिकेशन। तो वीडियो करता हूँ स्टार्ट और बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करूँ तो फर्स्ट है इसमें दिया हुआ है प्रोसेसर, प्रोसेसर की बात करूँ तो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ एंड सिंगल कोर 2.42 गीगाहर्ट्ज़ एंड ट्राई कोर 1.8 क्वाड कोर के साथ ये आ रहा है। तो स्नैपड्रैगन दिया हुआ है इसमें 870, अगर इसमें SD देते 888 लेटेस्ट देते तो थोड़ा सा अच्छा होता। तो नेक्स्ट है इसमें रैम दी हुई है 4GB रैम का, इसमें रैम का मुझे कुछ अच्छा सा मिले। अगर ये रैम 8GB या 12GB के अराउंड में देते तो अच्छा रहता। तो नेक्स्ट है बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले दी हुई इसमें 11 इंच डिस्प्ले भी दी हुई है साथ में। तो नेक्स्ट है 312 PPI IPS LED डिस्प्ले दी हुई है विद। नेक्स्ट है कैमरा, तो जो मी पैड 5 प्रो का कैमरा है 30MP प्लस 5MP ड्यूल प्राइमरी कैमरा भी दिया हुआ है फर्स्ट, और साथ में LED फ्लैश लाइट। और फ्रंट की बात है तो आपको 5MP फ्रंट कैमरा भी साथ में दिया हुआ है। नेक्स्ट है बैटरी, इसमें बैटरी वर्क करेगी, ये ऐसा ना हो कि अगर आपने इसको चार्ज किया जैसे इसको आप यूज करने लगे तो आपकी बैटरी डाउन हो जाए एक साथ में, तो मुझे लगता तो नहीं है। इसमें बैटरी दी हुई है 1000 mAh बैटरी के साथ में दी हुई है फर्स्ट है, साथ में फास्ट चार्जर भी दिया हुआ। इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है एक साथ में कि समझ लो कि लीक दी हुई है कि कितनी बैटरी इसमें फास्ट चार्जर है, कितने वॉट का उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। और साथ में माइक्रो USB पोर्ट भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम फुल स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं। इंटरनल स्टोरेज अगर मैं बात करूँ तो आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज है, अगर ये 128GB भी करते तो भी अच्छा होता। मुझे तो ठीक लगा, LED फ्लैश लाइट भी होगी, 30MP प्राइमरी का ना 5MP का डेप्थ कैमरा भी होगा, तो मुझे तो मैं कहता हूँ ठीक ठीक लगा, ठीक ठीक कहते हैं ठीक ठीक। 11 इंच की स्क्रीन होगी, स्नैपड्रैगन इसका होगा 870 होगा, तो रैम 4GB होगी। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इसका एंड्रॉयड V11, जो एंड्रॉयड V11 मतलब ये समझो जो आपको पता है कि एंड्रॉयड का 12 जो लॉन्च हो चुका है वो आएगा दिसंबर में। तो उन्होंने पहली एंड्रॉयड ड्रैगन है 870। तो अब बात करते हैं इसमें जो होगी सिम 5G होगी कि नहीं होगी, तो सिम होगी नैनो साइज होगा, नेटवर्क होगा इसका 4G, 5G तो भूल जाओ 5G नहीं होगी, 5G तो नहीं है, 4G 3G 2G 1G 1G चलाता है, 4G चला सकते हैं ठीक है अच्छा है।
वॉइस कॉलिंग यस, वाईफाई यस, वाईफाई फीचर्स अगर ब्लूटूथ 5.0 जीपीएस होगा इसमें यस 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 सब कुछ यस, फिंगरप्रिंट सेंसर भी, और गाइस फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है, मुझे लगा शायद फिंगरप्रिंट नहीं होगा और फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक भी कर सकते, ये बहुत अच्छा लगा। जो फिंगरप्रिंट होगा वो होगा साइड में, तो अदर सेंसर की बात करें लाइट सेंसर होगा इसमें, एक्सेलेरेटर परफेक्ट जी, बहुत सारे सेंसर है गाइस इसमें। तो फिर ये बताओ आपको जो सोनी का मी पैड 5 प्रो का जो स्पेसिफिकेशन है आपको अच्छे लगे कि नहीं अच्छे लगे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये लॉन्च होगा अक्टूबर की 13 को, तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जाके अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, मैं करके आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। बाय बाय गाइस।